नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज एक फिर ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे देश से और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण इकाई सेना से। जी हाँ, हमारे देश की सशस्त्र सेना, जिसके दमखम पर आज हम चैन की नींद, चैन की सांस और परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे। इसी सेना के प्रति कुछ सच्चाई हम आपके सामने ऐसी लेकर आ रहे जो सुनने के बाद अपने आप से डर लगने लगेगा, क्योंकि यह डर कल के लिए नहीं, आज के लिए भी लागू होता है। इसलिए आज हम आपको पूछ रहे सवाल, बिंदास बोल का आज का सवाल है, क्या देश के युवाओं में सेना के प्रति रुचि घटी है और इस रुचि का क्या है आज का चित्र, क्या है इसके कारण, क्या है इसके परिणाम और क्या है इसका उपाय। बिंदास बोल के शैली में हमेशा की तरह हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आ रहे, आपको कॉल करके अपनी बात को कहना है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ दो महत्वपूर्ण अतिथि जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे लाइव में पूरे घंटे भर के इस कार्यक्रम में, रिटायर्ड ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावन जी। सावन जी, आपका स्वागत है। सावन जी को आप दूरदर्शन या देश के सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समालोचन करते हुए देखते और सुनते आए हैं, साथ ही सुदर्शन के बिंदास बोल में पहले भी आते रहे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मिश्रा जी सुदर्शन पर होने वाले नक्सलवादियों के कार्यक्रम में काफी दिनों तक आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक विशेष कार्यक्रम मिश्रा जी जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आप दोनों विशेष अतिथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक सैटेलाइट के द्वारा, तीनों डीटीएच पर भारत में, इंटरनेट पर www.sudarshantv.com पर और 3G मोबाइल पर, सारे माध्यमों के द्वारा जो करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके भी कॉल लूंगा इस मुद्दे पर। लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। जय जवान जय किसान का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ये नारा अगर आज से 50 से 60 साल पहले आजादी की मशाल जलाने और देश में मौजूद युवाओं को ध्यान में रखकर दिया गया था तो बेशक इसमें युवाओं की भूमिका साफ तौर पर नजर आती थी। उस दौर में युवाओं की भागीदारी अगर उस दौरान हुए आंदोलनों में नहीं दिखती तो शायद वो आंदोलन उतने क्रांतिकारी नहीं होते। लेकिन आजादी मिली, समय बदला, हमारा उद्देश्य बदला। आज का युवा कल के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह जोशीला तो बनना चाहता है लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक तरक्की तक ही सीमित रह गया है। बहुत बिरले ही कोई माँ अपने बेटे को देश की सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने और देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में भेजना चाहती है, क्योंकि ये काम आज के युवाओं को बेहद कठिन तो नजर आता ही है, इसके अलावा उन्हें नेम फेम दोनों ही नजर नहीं आता। पिछले कुछ सालों में सेना में भर्ती के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चीज साफ तौर पर नजर आती है। और तो और, सूत्रों की माने तो पिछले 5 वर्षों से 46,000 जवानों ने अर्ध सैनिक बलों से शैक्षिक अवकाश लेकर सेवाएं वापस ले ली। देश की सेना में 27% पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम नहीं लेकिन सेना में अफसर बनने की उन्हें कोई चाहत नहीं। हालांकि देशभक्ति साबित करने का कोई पैमाना नहीं होता लेकिन 50-60 सालों में देश ने तेजी से आर्थिक प्रगति की है, उतनी ही तेजी से युवाओं में सेना के प्रति जुनून भी कम हुआ है। आज का युवा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है, रुपए की जगह डॉलर कमाना चाहता है और कैश के साथ ऐश भी चाहता है, जबकि सेना इन तमाम चीजों से कोसों दूर है। इसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां भी दोषी हैं। हर सेक्टर में वेतन वृद्धि को मंजूरी कैबिनेट द्वारा संसद में दी जाती है किंतु परिवार को छोड़ देश की सुरक्षा का जिम्मा लिए जवान को मिलने वाली राशि उसके अनुसार कम है। ऊपर से देश में फैला भ्रष्टाचार शहीद हुए जवान के परिवार को मिलने वाले मुआवजे को भी खा जाता है, या फिर किसी तरह रुपए परिवार तक पहुँचते हैं भी तो वो पैसे परिवार के भविष्य को संवारने के लिए पर्याप्त नहीं होते। अब इसे महान भारत की विडंबना ही कहा जाएगा लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आज अमीर घराने का युवा पब में रात बिताना पसंद करता है लेकिन सेना और देश के लिए एक रात बॉर्डर पर नहीं बिताना चाहता, क्योंकि सेना में जाना उन्हें कुएं में कूदने जैसा लगता है। भारत को भारत महान बनाने के लिए ये जरूरी है कि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनने के लिए जिस जज्बे से, जिस लगन से सोचते हैं, उसे संभव करने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार रहते हैं। उसी तरह विश्व के मानचित्र में तेजी से उभरते शाइनिंग इंडिया को बचाने के लिए सेना में भी योगदान दें ताकि उसकी शाइनिंग यूं ही बरकरार रहे। वीर तुम बढ़े चलो, ये वाक्य तभी सार्थक हो सकता है
जब घर में ही माँ, स्कूल कॉलेजों में टीचर और समाज में हम और आप देश के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करें। जय हिंद। यह आज का मुद्दा है और आप याद करिए, हमारे देश में सेना में देश के लिए शहीद होने वाले को स्वर्ग मिलता है, ये भावना, ये श्रद्धा, ये आस्था है, इसके बाद ये स्थिति है। हमारे साथ जो दोनों अतिथि है उनके पास चलते हैं और उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं, साथ में कई कॉलर आज के कार्यक्रम में पहले से वेटिंग है। अभी मुझे बताया गया है कि कंट्रोल रूम में 32 की 32 लाइनें पूरी तरीके से ब्लॉक है, लोग अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम उन तक भी जाएंगे, लेकिन पहले चलते चित्तरंजन सावन जी के पास। सावन जी, ये स्थिति क्या, कैसे बयां करेंगे आप इस स्थिति को? चौहान जी, मेरी विचार में नेतृत्व जो है हमारा इस समय बहुत निर्बल है और भविष्य की ओर नहीं देख रहा है। ये बड़ी पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा जो है वो राजा यानी जो राज्य संभाल रहे हैं उनका अनुसरण करती है। क्या आज हमारे राजनेताओं में से किसी घराने में से किसी का पुत्र या पौत्र सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में अधिकारी या जवान है? यदि नहीं है तो उनको सेना में रुचि नहीं है, फिर वो दूसरों से कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। और सावन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के राजनेताओं के बच्चे जो जहां जॉब करते होंगे वहां से कुछ साल की छुट्टी लेकर आते हैं, बाप जब तक मंत्री या सांसद है तब तक पैसे कमाने के लिए। यह इस देश का वास्तव है। और इस समय इस देश के 176 मंत्रियों के बेटे विभिन्न अपने पदों से कुछ दिन की अवकाश लेकर देश के विभिन्न राज्यों में बाप का हाथ बटाने के लिए आए, बल्कि बाप का जेब भरने के लिए आए, ये वस्तु स्थिति है। हम मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, आप भी स्थिति को कैसे वर्णन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है और यह एक परिपाटी हमारे देश की रही है, अर्जुन को उन्होंने कहा कि हत्वा प्राप्य से स्वर्गम, जीतवा भोग्य से महीम, उत्तिष्ठो तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो हमारे यहां परिपाटी यह रही है कि अगर युद्ध देश के लिए करना पड़े, न्याय के लिए करना पड़े, तो अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलता है और जब हम जिंदा रहते हैं, विजय प्राप्त होती है, तो यश मिलता है। लेकिन यह बात बिल्कुल भूल गए हैं और आज वस्तु स्थिति यह हो गई है कि यद यद आचरत श्रेष्ठा तद एव इतरो जन सह्य प्रमाणम कुरते लोकस्तैव निवर्तते। आज जो नेता कर रहा है वही नीचे के लोग देख रहे हैं और उसी को करना चाहते हैं, जबकि आपके यहाँ 1,76,000 करोड़ के स्कैंडल हों, तो CWG में इतने बड़े स्कैंडल हों, तो लोग इसको इस दृष्टि देख रहे हैं कि अरे यह तो इतना भ्रष्ट हो गया है देश, और देश के जो चरम सीमा पर सबसे ऊपर नेता हैं वो ये कर रहे हैं। तो ये जो लेसन जा रहा है, इस लेसन से आज का युवा हतोत्साहित हो रहा है। और ये कारण है हम, और कारण और स्थिति भी है। हम ये दोनों चीजों पर दोबारा आएंगे, बात करेंगे हमारे विशेष अतिथियों के साथ। हमारे बिंदास के बिंदास कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम। नमस्कार। बोलिए। इस देश में सेना के प्रति जो महत्व कम हुआ है, इसके लिए अपनी सिस्टम जवाबदार है। -30 डिग्री सेल्सियस तापमान सियाचिन ग्लेशियर में और +49 डिग्री तापमान रेगिस्तान में काम करने वाले सेना के जवानों के प्रति हमदर्दी कम है इस देश में, ये सोसाइटी और सिस्टम की वजह से। इसके लिए सेना में रुचि कम हो गई है जवानों की, कारण कि ये जो वर्तमान काल में जो परिस्थितियां निर्माण की जा रही है और जिसकी वजह से देश अपना सुरक्षित और अखंड है, वो सेना को इज्जत ही कम की जाती है और टीम जो इंडिया है जीतने वाली वर्ल्ड कप, उसको ज्यादा तरहित देने के लिए नेताओं में होड़ मचती है, उसको अलग अलग प्रकार से वोट होने के बावजूद भी दिया जाता है। हमारे यहाँ शहीद की विधवाओं को पेट्रोल पंप पास कराने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, उनकी पत्नियों को इधर भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया जाता है, और दूसरा रिटायर्ड होने के बाद उनकी लाइफ बहुत खराब होती है शहरों में, उनके घरों में लूट की जाती है। 80 साल के बुजुर्ग रहेंगे हमारे देश में, सेना में काम किए, जिसने जिंदगी देश को दिए, उनके घर पे लूट की जाती है, उनको मारा तोड़ा जाता है। तो ये तो यही देश में होता है, मीडिया और सेना की वजह से हमारा देश अखंड है, तो हमारा तो पतन कोई नहीं रोक सकता यदि परिस्थिति में परिवर्तन है। इसके लिए सेनाओं में जाने में युवाओं की रुचि कम हो गई है इस देश में। बिल्कुल, बहुत अच्छी कॉल और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर दिए। अगले कॉल के पास चलते हैं। नमस्कार।
जी मैं अभिषेक सिंह बोल रहा हूँ, अरिया नागरिक पत्रकार। हाँ सर, यही कहना चाहूँ, सेना आज के समय में राजनीति में बुरी तरीके से फंस चुकी है, तो उसने अलवा जिन लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि सेना ऐसा देख रहे होंगे कि जनरल बी के सिंह का सबसे बड़ा मुद्दा चलना है दुर्भाग का, उसके बाद मुंबई हमले में जो शहीद हुई उनका बुरी तरीके से अपमान, और एक और मैं नजर आ कि जो बातला एनकाउंटर हुआ, क्या सोनिया गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि घरेली आंसू उन्होंने बहाए हैं, क्या आंसू बहाने से क्या उनका सम्मान दिया जा रहा है? बिल्कुल दोनों कॉलर ने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं, मैं दोनों मुद्दों के ऊपर हमारे अतिथियों की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सावन जी, जिस तरीके से पहले कॉलर ने काफी मुद्दे उठाए, लेकिन उसमें से एक मुद्दा था कि गेंद पर छक्का मारने वाले को या गेंद को झेलने वाले को ज्यादा सम्मान मिलता है बॉम्ब गोले को झेलने वाले से, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि मन स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है, और इसे कौन कर सकता है? पहली बात तो ये है कि यदि हम अपने घर के बच्चों को प्रोत्साहन दें सेनाओं में जाने के लिए तो वो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रोत्साहन किसने दिया? उनकी माता जीजाबाई साहब ने। लेकिन सावन जी, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके की सास बहू के सीरियल देखने वाली, एकता कपूर के डर्टी पिक्चर देखने वाली माता अपने बेटे को शिवाजी का संस्कार दे सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा मीडिया जो है, क्या हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है? और यदि कर रहा है तो उस पर अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश स्वयं मीडिया ही अपने आप लगाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये भी इस पर भी मुझे कहना है कि वो मीडिया खुद अंकुश कैसे लगाएगा जिसकी डोरे विदेश में बैठे हुए लोगों के हाथ में है। तो इसके ये माने हुए कि जो लोग बिक गए हैं, या जिसको पेड न्यूज का नाम आजकल दिया जाता है कि पैसा दो और समाचार अपने अनुरूप छपवाओ, चाहे वो भ्रष्टाचार को क्षमा करने वाली बात क्यों न हो। चलिए हम अपने मार्ग पर पुनः वापस आते हैं और ये कहते हैं कि प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आया है कि व्यक्ति को बनाने के लिए कौन तीन लोग जिम्मेदार हैं? तो पहली माँ, फिर पिता और फिर आचार्य। आज न माँ ध्यान देती है न पिता, और आचार्य को तो बच्चा कहता है कि जो मैं फीस देता हूं उससे तेरा वेतन मिलता है, तू मेरा नौकर है। तो ये जब आप आचार्य को अपना नौकर मानेंगे तो इसके माने देश भ्रष्ट हो चुका है। और फिर वही बात कि जब ऊपर के लोग भ्रष्ट हैं तो हम नीचे के लोगों से कैसे अपेक्षा करें कि वे ईमानदार होंगे? बिल्कुल। मैं दूसरा सवाल जो दूसरे कॉलर ने उठाया था उसके बारे में बीडी मिश्रा जी के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि सेना के प्रति जो राजनीति करने का चित्र निर्माण किया जा रहा है ये भी एक कारण है। मैं आपको इसके बारे में कुछ कंपेरिजन दूंगा देशों का। अपने देश में हमारे जो सबसे बड़े एक कमांडर थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उनका देहांत हुआ था और देहांत उनका कुनूर में हुआ था। उनके अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि में हमारे देश का कोई नेता नहीं गया था। यहां तक कि जो चीफ तीनों थे उनको भी रोका गया था कि प्रोटोकॉल के लिहाज से आप नहीं जाएं। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम और देशों में देखते हैं, जैसे इंग्लैंड में जब अफगानिस्तान में उनकी कोई कैजुअल्टी होती है तो वहां जब डेड बॉडीज आती हैं तो वहां के टॉप लीडर्स उसको रिसीव करने जाते हैं, इज्जत देने जाते हैं, सम्मान देने जाते हैं। यहां तक कि जब उनके यहां वार मेमोरियल बना अफगानिस्तान में जो शहीद हुए थे तो उसमें क्वीन गई थी और क्वीन वहां 4 घंटे रही और सब जितनी वहां पर वीरांगनाएं थी जिनके हस्बैंड्स की या जिनके बच्चों की मृत्यु हुई थी सबसे एक एक करके मिली। और जब एंटीबे परेड हुआ था इजराइल के सैनिक गए थे वहां पर हवाई जहाज उनका पकड़ा गया था और वहां पर एक ही कैजुअल्टी हुई थी कमांडर की, जब उसकी डेड बॉडी आई थी तो देश की गोल्डा मैयर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, वो खुद डेड बॉडी को रिसीव करने गई थी। और आज अमेरिका में यही हो रहा है, जब कोई भी उनका शहीद होता है विदेश में
तो वहां पर उसको टॉप सम्मान मिलता है, उच्चतम सम्मान मिलता है। हमारे देश में विपरीत है। तो इसका खास असर यह पड़ता है कि सेना के प्रति इनका क्या सैक्रिफाइस है, इनका क्या त्याग है, इनके क्या कष्ट हैं। इन कष्टों को बिल्कुल नकारा जा रहा है, उस पर कोई दृष्टि नहीं डाली जा रही है और इससे लोगों की रुचि सेना से हट रही है। बिल्कुल, एक कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखे। सर जी, सवाल करना चाहूंगा। दीदी मिश्रा जी से अलगवा से वर्गिया से बोल रहा हूँ, पन्ना से। बोलिए सर। मिश्रा जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मिश्रा जी, जिस प्रकार से अभी कहा कि मीडिया पैड न्यूज को चला रही है, तो मीडिया पैड न्यूज को चला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ाए और सेना पूरी तरीके से राजनीति के अंदर फंसा के रखे, तो ये गलत है ना? बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। कई एसएमएस हमारे पास आए हुए। एसएमएस कहते हैं कि जिस देश में एमबीए करने के बाद ज्वाइनिंग 35,000 पर मिलती है, उस देश का युवा सेना में कैसे जाएगा जहां पर उसको इतनी सैलरी तो दूर, बेसिक सुविधा भी नहीं मिलती है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा, इस देश के युवाओं को या इस देश में सेना में सम्मिलित होने वाले युवाओं को आज फिर भी ज्यादा चीजें मिलती है। जब चीन के खिलाफ युद्ध हुआ था तो हमारे देश के सैनिकों के पास बर्फ में चलने के लिए जूते नहीं थे और शरीर पर ऊल के कपड़े तो छोड़िए, कॉटन के पतले से कपड़े जो मैं पहना हुआ हूं, ऐसे कपड़े में उन्होंने वहां पर -30 डिग्री में चाइना के ड्रैगन के साथ लड़ाई की थी। व्यवस्था, मिलने वाली सैलरी, ये बात सेना में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए हो ही नहीं सकती। शहीद को कितने पैसे दिए जाते हैं यह मुद्दा नहीं है। उस देश में शहीद होने के लिए लोगों के मनोबल को कितना तैयार किया जा सकता है, यह बेसिक मुद्दा है। यह तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए सेना में लोग नहीं जा रहे हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं कारणों पर। अब देखिए कारण। अभिभावकों और अध्यापकों का उदासीन रवैया। अभिभावकों और अध्यापकों के उदासीन रवैये के कारण युवा वर्ग सेना में कम आना चाहता है और आजकल अभिभावक अपने बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करते। उन्हें प्राथमिक स्तर से ही सेना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यूथ का नेम और फेम की ओर जाना। सेना में युवाओं को पैसे अन्य प्रोफेशन की तुलना में कम मिलते हैं और नाम भी नहीं मिलता, जबकि आजकल का युवा नेम और फेम दोनों की चाहत रखता है। देशभक्ति के जज्बे की कमी होना। पिछले कुछ समय से लगातार मनोरंजन की ओर युवाओं के बढ़ते रुझान ने देशभक्ति की ओर उनके रुझान को कम किया है। सरकार का उदासीन रवैया। केंद्र सरकार के उदासीन रवैये ने युवाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया, जिसके कारण आज युवा सेना से दूर होते जा रहे हैं। सेना में पैसे कम मिलना। अन्य प्रोफेशन की तुलना में सेना के जवानों को पैसा कम मिलता है, जिसके कारण सेना में युवा कम आ रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। आजकल जो सेना में जो अपने जो भाई बहन की रुचि घट रही है, वो इसलिए घट रही है क्योंकि जो हमारे सैनिक भाई है उनका सेना में सरकार द्वारा अच्छी तरह से आदर नहीं हो पा रहा है, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए जो इनका मतलब सेना में रुचि घट रही है। सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, वो चाहे आप आर्थिक मदद हो, चाहे कोई सी भी मदद हो, किसी भी तरह से मदद हो, आप सिविल सेक्टर में जाइए, सिविल सेक्टर में आपको देखो एक बीएससी कराया बंदा जो है 50-60 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है, एक सेना का जवान सेना में भर्ती होता है उसको 10,000 रुपए 12,000 रुपए, अपने घर से वो 8-8 महीने 10-10 महीने दूर रहता है, उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल, हमारी इसलिए सेना में रुचि घट रही है, कोई नहीं जाना चाहता। मैं अब्दुल हमीद मेरठ से बोल रहा हूँ, सेना में रुचि बढ़ानी है। बिल्कुल, धन्यवाद सावन जी। यहाँ पर जो मुद्दा उठाए और कई भी मुद्दे उठे, हम कारणों पर भी नजर इस तरीके से डाल रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो सम्मान की बात सरकार की तरफ से कही है, समाज भी और मीडिया भी तो कहाँ सम्मान दे रहा है। आईपीएल की जो मैचेस फिक्स है, जहां पर निर्णय पहले से तय है, वहां पर छक्का मारने वाले का या 50-30 रन बनाने वाले का दूसरे दिन में पेपर में फोटो छपता है, लेकिन सीमा पर जान की बाजी लगाकर दुश्मन के 10-10 शत्रुओं को मारने वाले का कहीं एक लाइन का खबर नहीं बनता है। इसके लिए क्या मीडिया जिम्मेवार नहीं है? असली हीरो कौन है? ये शाहरुख सलमान है या इस देश के लिए हम अब्दुल हमीद जैसे लोग जो सीमा पर लड़ते हैं वो है? समझ जी,
चौहान के जी, इसमें मैं दो सत्य उदाहरण दूंगा कि समाज तो सम्मान नहीं दे रहा है, राजतंत्र उपेक्षा कर रहा है सैनिकों की। एक ख्याति प्राप्त सैनिक जिनको सम्मान मिला, वीरता पदक से सम्मानित किया गया, एक बार वे जम्मू से दिल्ली आ रहे थे, आरक्षण नहीं मिला और वे शौचालय के पास खड़े होकर के उन्होंने यात्रा पूरी की। किसी टीटी ने यह नहीं कहा कि हम आपको एक बर्थ दे देंगे, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जेब गर्म की जाए। दूसरा उदाहरण, आपने स्वयं एक नाम लिया, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की पत्नी का अभी साक्षात्कार प्रकाशित हुआ और उसकी रसोई के बर्तन दिखाए गए जो सारे के सारे खाली थे और भोजन बनाने के लिए अन्न नहीं था, जबकि उसको परमवीर चक्र से 1965 की लड़ाई में सम्मानित किया गया था। मैं 26 जनवरी की कमेंट्री 40 वर्षों से कर रहा हूं और मैंने देखा कि सेना परेड कमांडर और उप कमांडर के बाद जो पंक्ति जाती है वो परमवीर चक्र विजेताओं की है और बाद में अशोक चक्र विजेता। तो 26 जनवरी को तो वो निकल जाते हैं और उन तालियां बजती हैं, सम्मान होता है, उसके बाद कोई उनका नाम लेवा नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता? क्योंकि वही बात, जब राजतंत्र उनकी उपेक्षा करता है और वो समझता अरे ये तो नौकरी के लिए आए थे और इनको पदक मिल गया है। इसीलिए अब मैं एक उदाहरण दूंगा वियतनाम के युद्ध की। वियतनाम के युद्ध में अमेरिकन क्यों हारे? वियतनामीज से जिनके पास ना छह शस्त्र थे लेकिन मनोबल ऊंचा था। हार का बहुत बड़ा कारण ये था कि अमेरिकी सेना में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो अश्वेत थे, काले थे, गरीब थे, और वो जो धनी वर्ग के लोग थे उनको सेना में नहीं लिया गया, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से वो सेना से कट करके चले गए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम देश की रक्षा का भार उन कंधों पर डालते हैं जो निर्धन हैं और उपेक्षित हैं, तो आप निश्चित मानिए कि देश की हार होगी। सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में आगे आना है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो। बिल्कुल, शायद ये स्थिति बने और ये देश बचे, लेकिन इस स्थिति की हम अपेक्षा भी करेंगे। उपेक्षा रुक जाएगी, यह भी अपेक्षा करेंगे। आपने जो बात कही कि अब्दुल हमीद के घर में खाने के लिए पैसे, खाने के लिए अन्न नहीं है, और मैं तो इस पर यही कहूंगा सावन जी कि इस देश के नेता जो खाया है वह हजम करने के लिए हजमोला खाते हैं, और शहीदों के घर पर खाने के लिए दाना नहीं।